हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल सिलेक्शन मेंटर में। और स्पॉटलाइट ऑफ करंट अफेयर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे 21st और 22nd अगस्त की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ या करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको हमारा ये जो सीरीज़ है कैसा लगा है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अंत में, वीडियो के अंत में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। और साथ ही साथ आपको बड़ी आसानी से प्रीवियस करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। स्पॉटलाइट ऑफ करंट अफेयर्स नाम से आप प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तो आपको इससे पहले जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 9121815869 पर आप मैसेज ड्रॉप करके व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर जाकर आप सिलेक्शन मेंटर टाइप करेंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा हमारे चैनल का। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इसमें जो बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच एंटिटी हैज़ अपॉइंटेड मधुर देवरा एज इट्स प्रेसिडेंट? मधुर देवरा को किस संस्था ने हाल ही में अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन हैं एयरटेल पेमेंट, फोनपे, पेटीएम फोनपे एंड भीम यूपीआई। तो आपको बताना है एयरटेल, पेटीएम, भीम यूपीआई और फोनपे में से कौन से एंटिटी ने मधुर देवरा को अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। तो उम्मीद है कि आपने अभी तक अपना आंसर दे दिया होगा। तो मैं बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है पेटीएम। तो पेटीएम के ये सीएफओ भी हैं और अभी इनको बना दिया गया है पेटीएम का ही प्रेसिडेंट। सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, तो ये पेटीएम के बन गए हैं क्या प्रेसिडेंट। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली श्री मनमोहन सिंह हैज़ इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम विच स्टेट? हाल ही में श्री मनमोहन सिंह जी को किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं आपके पास राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो आपको इसका आंसर बताना है, इनमें में से कौन सा सही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राजस्थान। तो मनमोहन सिंह जी को हाल ही में राजस्थान राज्यसभा से चुना गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट भी, द इलेक्शन फॉर अ सीट इन राज्यसभा फ्रॉम राजस्थान कम्स आफ्टर डिमाइस ऑफ बीजेपीज यूनिट प्रेसिडेंट मदन लाल सैनी। तो मदन लाल सैनी जी के देहांत के बाद ये सीट खाली हुई थी, तो उस पर मनमोहन सिंह जी को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा गेट्स एन एक्सटेंशन फॉर हाउ मच ईयर इन इट्स रोल इन हिज रोल? तो आपको बताना है पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा को उनकी भूमिका में कितने साल का विस्तार मिला है, यानी उसे कितने साल का एक्सटेंशन दिया गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल। तो जनरल बाजवा जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 3 साल के लिए। कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? 3 साल के लिए। और इनका नाम है, पूरा नाम है कमर बाजवा, और लिखा हुआ है कमर बाजवा वॉज अपॉइंटेड इन नवंबर 2016 बाई द देन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के थे नवाज शरीफ, उनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया था। इनका 3 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सद्भावना दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? किस दिवस, किस दिन को हम लोग सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं? ऑप्शंस हैं 15 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त या 20 अगस्त। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 20 अगस्त। 20 अगस्त को हम लोग मनाते हैं सद्भावना दिवस। तो सद्भावना दिवस इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी एवरी ईयर। यहाँ पर ईयर लिखना भूल गए तो आप यहाँ ईयर लिख लेंगे, एवरी ईयर सद्भावना दिवस इज सेलिब्रेटिंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर पीएम श्री राजीव गांधी। तो पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके बर्थ एनिवर्सरी की याद के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, कभी वन लाइनर के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी वॉज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री सर्व्ड फ्रॉम 1984 to 89। तो 84 से 89 के बीच में राजीव गांधी जी तो हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, जो कि 40 साल की उम्र में चुने गए थे। ठीक है, तो सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी जी हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, द फेमस पर्सनैलिटी खय्याम पास्ड अवे एंड ही वॉज फेमस फॉर? हाल ही में बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व के व्यक्ति खय्याम का निधन हो गया, और वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं
एक्टर, कंपोजर, म्यूजिशियन या राइटर? तो आपको बताना है अमर खय्याम क्या थे, एक्टर थे, कंपोजर थे, या कंपोजर में म्यूजिक कंपोजर, ठीक है, और म्यूजिशियन थे या राइटर थे। तो यहाँ पर आपको इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिलेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? कंपोजर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो खय्याम थे म्यूजिक कंपोजर थे। तो इसमें लिखा भी हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको, ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज म्यूजिक इन हिज क्लासिक फिल्म उमराव जान एंड कभी कभी। तो आपने ये फिल्म ज़रूर देखी होंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस फिल्म हैं ये, उमराव जान और कभी कभी। इन दोनों फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोजर का काम इन्होंने किया है। साथ ही साथ इन्हें कुछ अवार्ड मिले हैं, तो उन अवार्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2007, तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2007 जो है ये इन्हें प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड किसको मिला हुआ है, इनको कब मिला हुआ है? 2007 में मिला हुआ है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पद्म भूषण अवार्ड 2011 का इनको मिला हुआ है, ठीक, पद्म भूषण अवार्ड 2011 का मिला है इनको। फिल्म फेयर अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो 1977 में कभी कभी के लिए और 1982 में उमराव जान के लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड में मिला हुआ है। तो ये दोनों फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इनके लाइफ के लिए और इनके पर्सनैलिटी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फेमस पर्सनैलिटी रिचर्ड विलियम्स पास अवे, ही वॉज फेमस फॉर। हाल ही में रिचर्ड विलियम्स का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है एनिमेटर डायरेक्टर, पेंटर, सिंगर या एक्टर। ये क्वेश्चन में दोस्तों मैं पहले कल की क्लास में भी या पिछली क्लास में भी करा चुका हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एनिमेशन डायरेक्टर, और ये 3 बार ऑस्कर अवार्ड भी जीता है इन्होंने और 3 बार इन्होंने बाफ्टा अवार्ड भी जीता हुआ है। आपने फेमस जो है करेक्टर को सुना होगा या देखा होगा, जो कि रॉबर्ट या कह सकते हैं रोजर रैबिट नाम का करेक्टर जो है इन्होंने क्रिएट किया था, तो उसके लिए बहुत फेमस है ये। अगला क्वेश्चन है द फेमस पर्सनैलिटी एन एस तस्नीम पासेज अवे एंड ही वॉज फेमस फॉर। हाल ही में एन एस तस्नीम का निधन हो गया और ये किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे या किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? ऑप्शन हैं एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर या राइटर। तो आपको बताना है ये जो एन एस तस्नीम जी हैं ये एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर या राइटर में से क्या थे? क्वेश्चन का आंसर सही शायद आपने बता दिया होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, राइटर थे ये, और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है 1999 में। तो 1999 में ये साहित्य अकेडमी अवार्ड के विनर भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पंजाबी साहित्य रत्न भी इनको 2015 में मिला हुआ है, पंजाबी साहित्य रत्न 2015, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ओपन। आपको बताना है किस राज्य में भारत का पहला रासायनिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान खोला गया? ऑप्शन हैं आपके राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात में से कहाँ पर भारत का पहला रासायनिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेटा राजस्थान, गुजरात। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? गुजरात। तो ये फर्स्ट केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है इंस्टीट्यूट ओपन किया गया है कहाँ पर? गुजरात में ओपन किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 20 अगस्त, 21 अगस्त, 20 सितंबर, 21 सितंबर। तो आपको 20 अगस्त, 20 सितंबर, 21 अगस्त, 21 सितंबर, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बेटा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 21 अगस्त, 21 अगस्त को मनाया जाता है। एंड इट वॉज फर्स्ट प्रोक्लेम्ड बाई जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन 14 दिसंबर 1990, 14 दिसंबर 1914 को पहली बार प्रोक्लेम किया गया था यूनाइटेड जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक, और 21 अगस्त को विश्व सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी यानी कि पीएम मोदी होल्ड्स डेलीगेशन लेवल टॉक्स विद विच कंट्रीज प्रेसिडेंट, किस देश के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री जी ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की है? प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता किस देश के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में करी है? ऑप्शंस हैं जाम्बिया, नामीबिया, ब्राज़ील एंड पेरू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जाम्बिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जाम्बिया। और जाम्बिया के प्रेसिडेंट का यहाँ पर लिखा है नाम डागर चांगवा लांगू। तो डागर चांगवा लांगू जो है ये जाम्बिया के प्रेसिडेंट हैं और ये भी दिल्ली में 3 दिवस की यात्रा के लिए भारत आए थे। तो इनसे जो है प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की।
अगला क्वेश्चन है, विप्रो एंटर्ड इनटू ए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विथ विच इंडियन इंस्टीट्यूट, किस इंडियन इंस्टीट्यूट के साथ विप्रो ने किस भारतीय संस्थान के साथ रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है। ऑप्शंस हैं IITM, IIT कानपुर, IISc या इनमें से कोई नहीं। यानी आपका ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT कानपुर या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है IISc। द पार्टनरशिप ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है द पार्टनरशिप इज फॉर एडवांस अप्लाइड रीच्ड ऑटोनोमस सिस्टम रोबोटिक एंड 5G स्पेस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी तस्वीर भी लगी है। रविंद्र ठक्कर हैज बीन अपॉइंटेड एज ए MD एंड CEO ऑफ विच एंटिटी, किस एंटिटी के लिए, किस संस्था के लिए MD या CEO चुना गया है रविंद्र ठक्कर जी को। यहाँ पर आप तस्वीर में रविंद्र ठक्कर जी को देख सकते हैं। ऑप्शन हैं आपके सामने वोडाफोन इंडिया, एयरटेल, जियो या विप्रो। हाल ही में किस कंपनी के लिए इनको MD या CEO चुना गया है? तो इनको वोडाफोन इंडिया के लिए MD या CEO चुना गया है। ठीक है, ये वोडाफोन इंडिया के MD और CEO जाएंगे वोडाफोन इंडिया। रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड बाय JC बोस फेलोशिप फॉर 2019। हाल ही में JC बोस फेलोशिप 2019 से किसको नवाजा गया है या किसे अवार्ड दिया गया है ये, तो आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके सामने डॉक्टर के थगराज थंगराज, के सिवान, अविनाश कुमार या CNR राव। तो चार ऑप्शन हैं आपके सामने, चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर है डॉक्टर के थंगराज। तो डॉक्टर के थंगराज कौन है, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर के थंगराज इज चीफ साइंटिस्ट एट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। तो ये चीफ साइंटिस्ट हैं CSIR के। थंगराज वॉज गिवन अ फेलोशिप फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन इस फील्ड ऑफ पॉपुलेशन एंड मेडिकल जीनोमिक्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इनको किस फील्ड में ये कंट्रीब्यूशन मिला हुआ है, कह सकते हैं कि अवार्ड मिला हुआ है, तो ये इनके कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है। किस क्षेत्र पे कंट्रीब्यूशन किया है? पॉपुलेशन एंड मेडिकल जीनोमिक्स के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबूलाल गौर वॉज रिसेंटली पास्ड अवे एंड ही वॉज द फॉर्मर सीएम ऑफ विच स्टेट। हाल ही में इनको किस स्टेट के जो ये फॉर्मर CM थे बाबूलाल गौर जी, इनका निधन हो गया है, ये आपको बताना है किस राज्य से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं बिहार, UK, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो आपने तुरंत यहाँ पर देख लिया होगा इनकी तस्वीर भी, और इनकी तस्वीर देखकर आपको याद आ गया होगा कि ये कहाँ के प्रधानमंत्री, कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। ये चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, BJP इनकी पार्टी है, और इनकी जो चीफ मिनिस्टरशिप है वो अगस्त 2004 से नवंबर 2005 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली रिसेंटली। हाल ही में आपको बताना है दुनिया का सबसे बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया, शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये जो है इसका नाम क्या है, इस कार्यक्रम का नाम क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर कौशल्या योजना। दूसरा ऑप्शन है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक प्रोग्राम। तीसरा ऑप्शन है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। चौथा है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो चार ऑप्शंस हैं, जिसमें से तीसरा ऑप्शन जो है निष्ठा, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो क्या है, निष्ठा। तो निष्ठा जो है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, पिछले क्वेश्चन की लिखा हुआ है यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च द नेशनल मिशन ऑफ इम्प्रूवल लर्निंग आउटकम्स एट द एलिमेंट्री लेवल नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट एट डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली इन द प्रेजेंस ऑफ श्रीमती रीना राय
सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड अदर सीनियर ऑफिसर फ्रॉम MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज सीनियर पॉलिसी मेकर्स एंड हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। सो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं वो कौन है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं वो श्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो निष्ठा की जो मीटिंग हुई है ये कहाँ हुई है, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्ड इन स्टेट रूफ टॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2019, जिसको शॉर्ट में सरल बोला जाएगा। तो आपको बताना है कि स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिव इंडेक्स 2019 यानी सरल में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, टॉप पर रहा है। तो शीर्ष पर रहने वाले राज्य का नाम है कर्नाटका, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है शीर्ष पर रहने वाले राज्य का नाम क्या है, कर्नाटका इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिवाइज्ड टाइमिंग ऑफ RTGS ट्रांजेक्शन एज पर RBI। RBI के अनुसार RTGS की टाइमिंग को संशोधित किया गया है, तो अब नई टाइमिंग क्या हो गई है, 8 से 6 PM, 9 से 6 PM, 6 AM से 6 PM या 7 AM से 6 PM आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर डी, जो लास्ट में लिखा हुआ है कि अब जो RTGS की टाइमिंग हो गई है दैट इज़ फ्रॉम नाउ 7 AM टू 6 PM और ये इफेक्टेड होगी, ये नियम लागू होगा कब से, 26 अगस्त 2019 से। तो लिखा है एट प्रेजेंट द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS सिस्टम इज़ अवेलेबल फॉर कस्टमर ट्रांजेक्शन फ्रॉम 8 AM टू 6 PM। तो अभी तक ये 8 AM से 6 PM तक था एंड फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन फ्रॉम 8 AM टू 7:45 PM, लेकिन अब इसकी टाइमिंग जो है वो 7 AM से 6 PM तक कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है भैया, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, हाल ही में किसको भारत का रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपके यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है YN सुखंतकर एंड दूसरा ऑप्शन है NR पिल्लई, तीसरा ऑप्शन है विष्णु सहाय और चौथा ऑप्शन है अजय कुमार। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इसमें अजय कुमार जी को चुना गया है डिफेंस सेक्रेटरी और ये 1985 बैच के IAS भी हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है संजय मिश्रा जी को और इनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है अगस्त 23, 2019 को, ठीक है। संजय मिश्रा जी का कार्यकाल जो है अगस्त 23, 2019 को ख़त्म हो रहा है और इन्हीं को रिप्लेस करके अजय कुमार जी बनेंगे रक्षा सचिव। संजय मिश्रा जी जो हैं ये 1983 बैच के IAS थे और ये जो प्रेजेंट टाइम में अपॉइंट हो रहे हैं ये 1985 बैच के IAS हैं। सो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसे रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑफ दिस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।